कहता है ओबीसी को, तुम्हारे कहां महाराष्ट्र में ओबीसी को दिखाएं, तुम्हारे दिल बताओ। अच्छा मैं आपका नाम बताऊं, महाराष्ट्र में क्या ओबीसी, मैं आपका नाम बताऊं, नाम बताओ, कितने मुसलमानों को टिकट, अरे आप बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी बताओ, आप इसको बताओ मुझे। तो आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए, नहीं तो जी बीजेपी करती है ना, बीजेपी करती है ना बात, बीजेपी बात करती है ना, बीजेपी बात करती है, तो बीजेपी से पूछो ना, कटेंगे बटेंगे, बीजेपी पूछो ना कि बीजेपी वाले मुस्लिम की बात करने लगे, ये बीजेपी वाले क्यों करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र की जो अभी वोटें हो गई है महाराष्ट्र में, और जो पैसे भी पकड़े गए हैं, और कटोगे बटोगे भी चला महाराष्ट्र में, और फिर उसको पंकजा मुंडे ने कहा अपने मुख्यमंत्री पे ही बार कर दिया कि यहाँ पे कट्टे को बटोगे नहीं चलेगा, यहाँ पे तो हक हिस्सेदारी की बात चलेगी। तो अब जो एग्जिट पोल आ रहा है उनके नेतृत्व क्या लग रहा है, क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो शैतान पार्टी है, महाराष्ट्र के ईमानदार लोगों को बेईमान बनाना चाहती थी, ईमानदार लोग महाराष्ट्र में, ईमानदार लोगों को ये पैसे के दम पे वोट खरीदना चाहते थे, उजागर हो गया, 5 करोड़ पकड़ा गया। एक महासचिव के होटल में क्या कार्रवाई हुई, इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है भाई, क्या कार्रवाई हुई, कोई नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्यों नहीं दिया, होटल में पैसे पकड़े जाते हैं, अगर ये कोई और होता तो गोदी मीडिया भी पहुंच जाता, बताइए पैसा किसका है, अब बताओ ना ये पैसा किसका है, भ्रष्टाचार उजागर हुआ, क्लियर भ्रष्टाचार उजागर कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार वाली जो पार्टी है, इन्होंने लोगों को पैसे से खरीदने की बात की गई महाराष्ट्र के ईमानदार लोगों को, लेकिन महाराष्ट्र में ये पूरी तरह से साफ है, महाराष्ट्र में ये नहीं आने वाले, महाराष्ट्र में सरकार इनकी नहीं आने वाली, अब महा जो आघाड़ी है वो आएगी सरकार। वहाँ सर्वे बता रहे हैं कि वहाँ एनडी की सरकार बन रही है, सर्वे तो आप बता रहे हो, किसने बता दिया, सर्वे ने वोट दिया क्या, सर्वे की 10 एजेंसियां हैं जो गोदी मीडिया की हैं या मोदी के चाटुकार हैं वो सर्वे करते हैं, और मेरा सर्वे जो देश के लोगों का सर्वे है, सर्वे भी आप बता, सुनिए देख, सुनिए वो ईमानी की ना मशीनों की, तो 74 सीटें पहले क्यों दिखाई थी हमारी, एक सुनिए, एक राज्य की बात पूरी सुनो पहले, एक राज्य की बात आप सारा दिन लगा देते हो 90 सीटें के लिए, और लोकसभा की सीटें के लिए 2 घंटे में रिजल्ट कर देते हो कि बीजेपी पास हो गई सरकार बना रही है, और 90 सीटों का शाम तक रिजल्ट आप नहीं बता पाते, ये बेईमान सरकार, ये महाराष्ट्र में आपको सामने दिखाया ना पैसा पकड़ा गया, जवाब देंगे मोदी जी, किसका पैसा है, महासचिव किसकी पार्टी का है, किसकी पार्टी का, ये वही है नोटबंदी का पैसा, GST का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, लोगों को नोट से खरीदने वाले लोग, ये उजागर हो गया कि पहले भी इन्होंने पैसे के बल पर सरकारें गिराते हैं लोगों के, बीजेपी EVM का खेला वेला नहीं कर रही है, हिस्सेदारी दे रही है, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना रही है, तब वो सरकार बना, ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, आप बातें कर रहे हो, ये आप पता नहीं कैसी बातें करते हो, ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा ओबीसी भी नहीं है प्रधानमंत्री, क्या बात कर रहे हो आप, राहुल गांधी जी सर्टिफिकेट देंगे तो ये मोदी जी देंगे हमारा सर्टिफिकेट, आप जो कह रहे हैं अपना सर्टिफिकेट, कौन अपना सर्टिफिकेट दे नहीं पाया, ना तो डिग्री का दे पाया, अच्छा नहीं तो सर्टिफिकेट, किसका सर्टिफिकेट, किस बात का, भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देंगे, हजारों करोड़ों रुपए का, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा तो देशों को, देश के लोगों को लूट के खाओ, महंगाई कम की उस पर आए थे ना ये प्रधानमंत्री, आए थे ना, महंगाई कम करूंगा, रोजगार दूंगा, ना रोजगार दिया ना महंगाई कम हुई, देश के बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ओबीसी के लोग कितने प्रवक्ता है, कांग्रेस में ओबीसी कितने महासचिव में, कांग्रेस में ओबीसी बहुत है, सब है, मैं तुम्हें नाम बताऊंगा, मोदी जी से पूछिए कितने मंत्री हैं, जो मैं तो बता दूं, हमारे तो राहुल जी का, हमारे तो हिस्सेदारी है सारी, हमारे पार्टी में सब है, आप मोदी जी की बात करो ना, मोदी राहुल जी पूछते हैं ना, मोदी से सवाल करो, पूछो कितने प्रोफेसर, कितने जज, कितने ये, मोदी से पूछो जाके कितने ओबीसी, मोदी देखो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी का, हरियाणा में ओबीसी का, अच्छा हरियाणा का, अच्छा कांग्रेस ने दिए, कांग्रेस करते हैं ये मोदी दिखावटी को कर रहे हैं, रेलवे का चेयरमैन शेड्यूल कास्ट से, अच्छा और मंत्री है कोई, बिजनेसमैन है कोई, ओबीसी के मंत्री, तो गोदी मीडिया को मालिक है कोई, जैसे राहुल जी पूछते हैं, आपने 2 लोगों को दिखा दिया, उसका ढिंढोरा आप पीटते हो, क्या किया ओबीसी को, क्या दिया, ये दलितों को क्या किया, घर जला दिए उनके दलितों के, यह बातें कर रहे हो आप, फालतू की बातें, मोदी जी कुछ आगे किसने रोके थे फिर 2014 में, किसकी सरकार थी 2014, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आप उल्टा सवाल क्यों करते हैं, मोदी से पूछो, जाति गणना हम करवा करेंगे, मोदी जी ने कहा ना राहुल जी ने, अरे राहुल जी ने कहा है, बात कर रहे हैं आपको देखते होंगे, जो रामविलास जी के लड़के हैं चिराग पासवान जी, वो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं आप, हाँ बताइए, उनके पिता क्या कहते थे, उनके पिताजी कांग्रेस में मंत्री थे ना, उनके पिता जहाँ भी जाते हैं मंत्री रहते हैं,
कितने लोगों को दिया उन्होंने नौकरी, कितने लोगों को? तेजस्वी यादव ने दी ना 4 लाख लोगों को, या ये मंत्री कितने लोगों को बताए, ये कितने लोगों को नौकरी दिया अभी? कांग्रेस तो मंत्री नहीं, अरे छोड़े ना, जो बात जो मेरा जवाब दो है? सवाल करते जवाब भी लो, कितने लोगों को नौकरी दी इसने, चिराग पासवान ने, पूछो, दिए, मंत्री है ना, समाज से है, अरे आंकड़ा दिखाए, आपने समाज का आंकड़ा दिखाया कितने लोगों को नौकरी दी है, झूठी बात मेरे सामने मत करना। कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाती थी, शेड्यूल कास्ट। अच्छा, कांग्रेस तुम्हारे जैसे बातों को मैं विश्वास नहीं करता, तुम झूठ की बातें करते रहो, कांग्रेस सबको मंत्री बनाती थी, हमें फेल नजर आ रहे। अरे फेल तो तुम्हारे बीजेपी के, तुम चमचे हो बीजेपी के, बीजेपी की बात मेरे सामने मत करना, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ओबीसी को ओबीसी को कांग्रेस तबादली बताओ। अच्छा, मैं आपका नाम बताऊं, मैं आपका नाम बताऊं, नाम बताओ, कितने मुसलमानों को टिकट, अरे आप बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी बताओ, आप इसको बताओ मुझे। तो आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए? नहीं, तुम वो जी बीजेपी करती है ना, बीजेपी करती है ना बात, बीजेपी बात करती है ना, बीजेपी बात करती है, तो बीजेपी से पूछो ना, कटेंगे बटेंगे, बीजेपी पूछो ना कि बीजेपी वाले मुस्लिम की बात करने लगे, तो ये बीजेपी वाले क्यों करते हैं, कितने मुस्लिम हिस्सेदारी किसको दी है, किसको कहा ना कटोगे बटोगे नहीं चलेगा, उन्हीं की पार्टी के है ना, उन्हीं की पार्टी के है, तो पार्टी है बीजेपी से है। हाँ तो पूछो, बीजेपी मुंडे की बेटी है, तो उनसे जाकर पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्या पूछो उनसे, पूछो हम भी बताओ किससे बात कर रहे हैं, क्या तो दिया ना कि यहाँ कटोगे बटोगे नहीं चलेगा, तो किसको 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 कहा, किसको कहा, सभी को कहा उसने, किसको कहा, उनको कहा मोदी जी को इस्तीफा दे, उनको बोलो इस्तीफा दे जाके, कि इस्तीफा करो नहीं तो मैं इस्तीफा दे रही हूँ, बात बात पे लोगों से इस्तीफा मांगते हैं, हिस्सेदारी की बात पे कांग्रेस, अरे सुनिए चले शट अप, कांग्रेस की इसे झूठी बात मेरे से मत करना, फालतू के गोदी मीडिया से उल्टी सीधी बकवास मेरे से मत करना, कांग्रेस जो है कांग्रेस सबका हिस्सेदारी देती है, समझ गए, आप इस बात को मत करना।